चलिए स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2 10th आईसीएसई मैथ्स. अपने मेन प्रपोर्शन के लिए क्वेश्चंस यहां पे देखना स्टार्ट किए. मेन प्रपोर्शन कुछ नहीं है, जो थर्ड प्रपोर्शन है उसका मॉडिफाइड वर्जन है. यहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि हम जो लिखते थे 28/63 और फिर वही नंबर यहाँ पर अगर रिपीट कर देते अपॉन एक्स, अगर ऐसा लिखते थे बराबर, तो उसको थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं. अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर दो बार रिपीट होगा. हम मेन प्रपोर्शन में क्या हो गया, ये थर्ड प्रपोर्शन का मैंने एक एग्जांपल दिया. मेन प्रपोर्शन में 28/ अननोन जो टू टाइम्स रिपीट होने वाला नंबर है ना, दैट इज अननोन इन दिस केस, ऐसा हम मान सकते हैं. सो 28 × 63 = x2. सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 28 × 63. हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, मतलब 2 की पैर में कोई नंबर बनवा होगा. ध्यान से देखें तो ये 7 होगा एंड दिस वन इज 7 9. तो 9 एंड 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 7 भी आ गए. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ये है, एक्स की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, एक बार 7 आएगा, एक बार 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा एंड 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा. तो दिस वन इज नथिंग बट आई थिंक सो 42. इसकी वैल्यू वी गेट 42 इन फर्स्ट क्वेश्चन, राइट. इस तरीके से मैंने स्क्वायर रूट फाइंड किया कि मुझे बड़ा सा नंबर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. 2 की पैर में हैरन्स फॉर्मूला करके कोई चैप्टर आता है, आई डोंट नो कि आप उसके वो चैप्टर से वाकिफ होते हैं, बट उसकी हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स का ग्रुप बनाएंगे तो 2 की पैर बनेंगे. तो ये थर्ड प्रपोर्शन का एग्जाम्पल था, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट. इस तरीके से करना होता है तो सम में अगर कुछ होगा थर्ड प्रपोर्शन. क्वेश्चन अब चेंज हो गया, मीन पूछा हुआ, तो अब जाके डायरेक्टली यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाकी के दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2.5 × 0.9. सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 25/10 × 9/10, इट विल बी 225/100 एंड देखो दोनों परफेक्ट स्क्वायर आ गए. एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये नंबर आया होगा तो 225 का स्क्वायर रूट 15 होगा एंड 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. बट नहीं करना है, मैंने बहुत बार बताया जब भी पूरा का पूरा 10 कट होगा तभी कैंसिल करो, वैसे उसको वैसा का वैसा रखो. डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट पुट करने में बहुत ही काम लगने वाला, राइट. तो ये फटाफट से लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आपको फील आ रहा होगा कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, भले ही डेसिमल पॉइंट दे दिया होगा, राइट. दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की बने. सो 6 × 5/100, हाँ कहानी में 30 का होगा जरूर, 1.6/10. तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये तीनों नंबर्स के स्क्वायर रूट निकल सकते हैं, बट नीचे जो 10 है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता. बट ऑन द अदर हैंड आप वो 10 को कैंसिल भी कर सकते हो. अल्टीमेटली ये सीधा साधा आंसर नहीं बनने वाला है, थोड़ा सा रूट वाले टर्म्स बनेंगे. तो हम ट्राई करेंगे कि जितने भी रूट वाले टर्म्स बने वो न्यूमरेटर में रहे ना कि डिनोमिनेटर में. तो यहाँ से मैं पूरा का पूरा 10 कट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ से कट करके 120 कर, शायद थोड़ा सा नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे 8 लिखा हुआ. तो ये 2 और 5 यहाँ पे कट करने की. तो अब जाके क्वेश्चन में क्या बचा, तो कितने टर्म्स बचे, 125 × 8/100. अब और भी कट होने वाला है वो मुझे पता है, राइट. क्योंकि 10 किससे बना होता है, 10 2 और 5 से बना होता है. तो डिनोमिनेटर में 100 तो वो 2 टाइम्स या फिर 2² × 5² बोल सकते हैं. ऊपर 5³ है, 125 इज नथिंग बट 5³ एंड 8 इज नथिंग बट 2³. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर 1000 बनेगा, नीचे 100 है, कट करने के 10 बनेगा. बट प्लीज कैलकुल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्चुअली प्लस और माइनस टाइम आएगा, बट वो कॉन्सेप्ट अभी लाना नहीं है. सो एक्स की वैल्यू रूट 10 हम अभी के लिए रखते हैं, बैलेंस प्लस और माइनस आएगा हर एक सम में, बट वो लॉजिक तक हमें अभी के लिए नहीं जाना.
इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बाकी के क्वेश्चन बाद स्लाइड में रखते हैं।